हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अ लेक्चर फोर्थ ऑफ आवर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज कर रहे थे बच्चों 15B, हम इसमें ऑलरेडी 17 क्वेश्चंस कवर कर चुके थे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कहना देखिए, बोल रहा था कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स ऑफ ए रूम 12 मीटर लॉन्ग एट रेट 30 पर मीटर स्क्वायर इज 7,560 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विद मैट एट रेट 25 पर मीटर स्क्वायर इज 2700। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रूम। तो बच्चों इसके अंदर क्या हमारा एक रूम है, क्या दे रखा है एक रूम। रूम का एक तो इसने फ्लोर का खर्च दे रखा है बच्चों, इसके जो फर्श है ना उसका खर्च क्या है 25 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से हमारा 2700 रुपये का खर्च है। तो बच्चों हमारा इसका फर्श का खर्च है, तो फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लोर एरिया। तो फ्लोर का एरिया इसका टोटल खर्च कितना है बच्चों 2700 रुपये, और हमारा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितने लग रहा है बच्चों इसमें 25 पर मीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा बच्चों 2500 इतना मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ फ्लोर। और फ्लोर में क्या चीज काउंट होती है बच्चों हमारी, जैसे हमारा एक रूम है तो रूम का जो हमारा फर्श है तो फर्श के अंदर बच्चों हमारी या तो उसकी लेंथ होगी या फिर उसकी ब्रेथ होगी। तो हमारा ये क्या जाएगा 108 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें लेंथ रूम के एक बच्चों में लेंथ मानी है, जैसे हमारा रूम किस टाइप से बच्चों, इस टाइप से हमारा क्या है रूम है, तो बच्चों इसकी क्या मानी है हमारी, ये यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा रूम है। तो बच्चों ये हमारी लेंथ है और ये क्या मान लो ब्रेथ है। तो मैं तो बच्चों हमारा इसके अंदर फर्श कौन सा होगा, ये जो नीचे वाला है ना ये हमारा क्या हो गया फ्लोर, ये हमारा क्या है फ्लोर। तो इसकी हाइट क्या बच्चों मान लो, हाइट क्या माने एच है, हाइट क्या बच्चों, हाइट ऑफ दिस रूम इज एच, ये बच्चों मान लो एच है। तो बच्चों ये क्या हमारा एक फ्लोर का एरिया है, जो नीचे फर्श है ना उसका एरिया क्या होगा हमारा एल इंटू बी इक्वल टू 108, क्योंकि टोटल खर्च का 2700 रुपये है, 25 हमारा एक मीटर का खर्च है, तो टोटल एरिया हो जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों हमारा एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, तो बच्चों हमारा एरिया ऑफ फोर वॉल्स इसने कितना दे रखा है, इसका खर्च दे रखा है, इसका इसने कितना दे रखा है 7560 रुपये। तो बच्चों टोटल खर्च कितना है 7560, और पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्च कितना बेटा इसका, दिस इज द 30 पर मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आ जाएगा हमारा 3 × 6 × 3 = 15 और 3 × 6 इतना मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा 108 हमारा क्या हमारा इसका फ्लोर का एरिया है। और इसके अंदर एक और चीज दी है बच्चों हमारे 108 वाले के अंदर, इसकी लेंथ दे रखी है, इस कमरे की लेंथ क्या हमारी, इसके लेंथ इक्वल टू 12 मीटर, लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हमारी 12 मीटर है तो हमारी ब्रेथ क्या हो जाएगी। तो हमारा ये एरिया है 108 इक्वल टू लेंथ क्या है 12 और गुणा में ब्रेथ क्या है बी है। तो बच्चों हमारी ब्रेथ क्या आ जाएगी, ब्रेथ इक्वल टू इसके डिवाइड में चला जाएगा दिस इक्वल टू 9। तो इसी हिसाब से हमारे बच्चों हमारी ब्रेथ कितनी आ जाएगी 9 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ आ गई, अब हमारी सिर्फ क्या किस चीज की है, हमें सिर्फ हाइट की जरूरत है। तो बच्चों हमारा एरिया ऑफ फोर वॉल्स होता क्या है, फोर वॉल्स में हमारा जो नीचे फर्श है और ऊपर छत है वो तो हमारा काउंट नहीं होगा, एक तो बराबर की दो दीवार काउंट होंगी और आगे पीछे की दो दीवार काउंट होंगी। तो उन दीवार में क्या होगा बच्चों, एक तो लेंथ इंटू हाइट हो जाएगी एक दीवार, और एक होगी ब्रेथ इंटू हाइट। दोनों दीवार हमारी दो तो है, एक सामने वाली एक पीछे वाली, उसका एरिया सेम होगा, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, उसका भी एरिया क्या होगा बच्चों हमारा सेम हो जाएगा। तो 2 × लेंथ × हाइट प्लस में 2 × ब्रेथ × हाइट, ये दो वॉल्स का ये है आगे पीछे वाली का, और राइट लेफ्ट वाली दो वॉल्स का एरिया, ये दिस इज द एरिया ऑफ फोर वॉल्स। या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2 × L प्लस में बी गुणा में एच, इसके अंदर एच हमारा क्या होगा कॉमन आ गया बच्चों। तो अभी देखो इसके अंदर गिवन है, ये कितना गिवन है 252, कितना गिवन है 252, क्योंकि हमने इसको फाइंड आउट किया 30 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से खर्च लग रहा था, टोटल खर्च 7560 रुपए। तो बच्चों हमारे पास लेंथ भी है, हमारे पास ब्रेथ भी है, तो हमारे पास 2 × L हमारी क्या दे रखी है 12 और प्लस में ब्रेथ कितनी निकाली है 9 × हाइट इक्वल टू 252। तो 12 × 9 = 21 क्या होगा बच्चों 21, तो दो एच इक्वल टू क्या आ जाएगी 252 और डिवाइड बाई 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, और 12 और 9 क्या होते हैं बच्चे हमारे
21, दो से दो एकम दो, दो दून चार और दो छके 12, तो 21 से कितने आएंगे बच्चों 6, तो हमारी हाइट क्या आएगी बच्चों इसके अंदर इक्वल टू 6 मीटर। दीज आर द डायमेंशन ऑफ दिस रूम। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चों की क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगनल ऑफ ए स्क्वेयर हुज एरिया इज 128 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो बच्चों एक स्क्वेयर है, उसका क्या दे रखा है इसने 128 सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्या दे रखा है इसका एरिया दे रखा है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो बच्चों आपको इसके लेंथ भी निकालनी है और इसका डायगनल भी निकालना है, और इसके अंदर केवल एक चीज दी है कि बच्चों क्या दी हमारे, ये हमारा क्या मान लो स्क्वेयर है, दिस इज द स्क्वेयर। सारी इसकी लेंथ क्या होती है बच्चों, लेंथ और ब्रेथ इसकी हमारी सेम होती हैं, और हर एक एंगल कितना होता है बच्चों 90 डिग्री का होता है। तो हमारी ये क्या होता है बच्चों डायगनल, दिस इज द डायगनल। इसका इसने क्या दे रखा है एरिया, क्या किया बच्चों एरिया इक्वल टू 128, ठीक है, एरिया क्या हमारा 128। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा ए इंटू में ए बराबर है तो ए स्क्वेयर हो जाएगा। तो हमारा ए स्क्वेयर क्या दे रखा इसको बच्चों 128 मीटर, तो ए क्या हो जाएगा हमारे अंडर द रूट 128, तो दिस इज इक्वल टू ये होता है हमारा 64 गुणा में 2, तो 64 है हमारा क्या है 64 में से क्या चीज बाहर आ जाएगी हमारी 64 में से 8 बाहर आ जाएगा और अंदर जा जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों 8√2 और ये क्या हो जाएगी ए रूट 2, ठीक है। तो डायगनल क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी क्या इसकी वर्टेक्स है सारे, तो बच्चों ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, तो 8√2 का स्क्वायर प्लस ऑफ द 8√2 का स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू 64 × 128 और प्लस में 64 × 2, ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएंगे चीजें। तो हमारा कितना आ जाएगा ए सी स्क्वायर है ये, तो ए सी हमारा किसके बराबर आ जाएगा 128 × 128 256, 256 किसका स्क्वेयर रूट होता है बच्चों हमारा 30, किसका स्क्वेयर होता है 256 हमारा 64 और गुणा में 4 क्या होता है दिस इज इक्वल टू 64 × 4 चार चौके 16 चार 24 हो गए 25, दिस इज द ए सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों हमारी 8 × 2 = 16, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों हमारी 16, तो दिस इज द लेंथ ऑफ डायगनल, और अभी लेंथ ऑफ डायगनल आ गई और इसने क्या पूछा बच्चों फाइन ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों 4 × a, a की वैल्यू क्या है 8√2, तो 8 × 32 √2 इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों। तो यदि हम इसके वैल्यू पुट करेंगे रूट टू की, क्या करेंगे बच्चों हमारी रूट टू की वैल्यू पुट करेंगे, रूट टू की वैल्यू क्या होती है हमारी 32 × 1.41, इसलिए बच्चों ये दे भी रखी है हमने ये वैल्यू लेनी है, पर हम अपने आप से ले सकते हैं 1.414 इसकी वैल्यू होती है, तो इसको निकालोगे तो बच्चों दिस इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ जाएगी ये 45.12, इसको हम सोल्व करेंगे ना तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। The cost of harvesting a square field at rate 900 per hectare. तो बच्चों इसके अंदर अब क्या बोल दिया पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर कितना होता है बच्चों हमारा 100 मीटर स्क्वेयर के बराबर होता है, इज 8100। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस अराउंड इट एट रेट 18 पर मीटर। उसको बताओ उसको फेंस करने का इसने क्या बताना, हमने खर्च बताना है, इसमें दे रखा है बच्चों चीजें हमारी हेक्टेयर में, तो 900 पर हेक्टेयर इज 8100 रुपए, तो बेटा हमारे होते हैं मीटर डेका एक्टो किलो, इधर इधर होते हैं मीटर के बाद डेसी सेंटी मिली, तो बच्चों हमारा ये मीटर से बड़े होते हैं ये सारे और ये मीटर से सारे छोटे होते हैं, ठीक है। ऐसे एक 10 डेका मीटर में क्या होता है बच्चों हमारा 1 मीटर होता है, ऐसी 100 हेक्टोमीटर में क्या होता है हमारा 1 मीटर होता है, ठीक है। ऐसे मतलब 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर हो गए बच्चों हमारे
1/100 कितने हो गए 1/100 क्योंकि बेटा 100 हेक्टोमीटर किसके 1 मीटर के बराबर है तो इसमें दे रखा है हेक्टेयर में दे रखी चीजें तो हेक्टेयर में भी हमारी क्या होगी हमारी एरिया में आ गई चीजें तो हमारा ऐसे ही हमारा 1 हेक्टेयर किसके बराबर होगा बच्चों 1 हेक्टेयर इक्वल टू 100 मीटर गुणा में 100 मीटर मतलब इतने मीटर का एक स्क्वायर बन जाएगा बच्चों ये क्या बन जाएगा हमारा क्योंकि ये चीजें स्क्वायर में है ना तो 100 मीटर का एक स्क्वायर बन जाएगा एक हेक्टेयर मतलब क्या है एक ये हमारा एक मीटर है मान लो और ये क्या हमारा एक हेक्टेयर है तो बच्चों ये एक मीटर है तो ये हमारा एक हेक्टोमीटर होगा ये एक हेक्टोमीटर में क्या होगा हमारा 100 मीटर इधर भी क्या जाएगा बच्चों 100 मीटर इधर भी हमारा 100 मीटर हो जाएगा ऐसे ये 1 मीटर का एक स्क्वायर है तो बच्चों इसके अंदर इसका एरिया कितना गुना हो जाएगा ये तो 1 मीटर स्क्वायर है तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा 100 गुना में 100 मीटर स्क्वायर तो बच्चों हमारा एक हेक्टेयर कितना आ गया बच्चों 10^4 मीटर स्क्वायर तो इसके हिसाब से हमारा बच्चों ये कितना हो रहा हमारा इसमें जो एरिया दे रखा है हमारा इसकी जो पैसे दे रखे हैं एक हेक्टेयर के 900 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से तो हमारा कितना आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों की कॉस्ट है 8100 और पर हेक्टेयर के हिसाब से कितने रुपए मिल रहे हैं 900 रुपए पर हेक्टेयर इतना क्या हो जाएगा बच्चों हेक्टेयर क्या होगा इतनी चीज हमारी एक हेक्टेयर में आ गई हेक्टोमीटर मतलब यह हेक्टेयर ठीक है हेक्टोमीटर स्क्वायर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू कट जाएंगे और ना से 9 तो बच्चों 9 इंटू एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं बच्चों हमारा 10^4 कितने होते हैं बच्चों हमारा 10^4 मीटर स्क्वायर बच्चों ये इसका क्या गया हमारा एरिया आ गया ठीक है दिस इज एरिया इन मीटर स्क्वायर तो बच्चों ये क्या हमारा एरिया इन मीटर स्क्वायर तो बच्चों अभी स्क्वायर की क्या निकालनी हमने साइड निकालनी है ये क्या है मान लो इसकी साइड क्या है बच्चों हमारी ए है क्या साइड है मान लो इसकी ए साइड है ए तो अभी ए स्क्वायर इसका एरिया है ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या है 9 × 10^4 मीटर स्क्वायर अभी ए की वैल्यू क्या है अंडर द रूट 9 × 10^4 तो 9 में से हमारा कितना बार आ जाएगा 3 और इसमें से 10^2 तो हमारा ए की वैल्यू क्या आगे बच्चों 300 मीटर तो दिस इक्वल टू 300 मीटर का स्क्वायर है इट मींस ये इतने मीटर का एक स्क्वायर है तो अभी बच्चों इसे नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस अराउंड इट बच्चों यदि फेंस निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा पेरीमीटर तो पेरीमीटर 300 और गुणा में 4 बराबर है 1200 मीटर ठीक है पुटिंग ए फेंस अराउंड इट एट ए 18 पर मीटर तो बच्चों हमारे 1 मीटर का 18 रुपए खर्च लग रहा है तो 1200 मीटर का कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट तो कितना आ जाएगा 1200 और गुणा में 18 तो 0 0 18 2 36 18 × 3 21 216 00 रुपए इतने रुपए बच्चों इसका फेंस करने का क्या हो जाएगा हमारा खर्च हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारा क्या है दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए बच्चों हमारा क्या बोल रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगनल बी डी इक्वल टू 24 इसमें क्या दिया बच्चों हमारा डायगनल क्या दिया हमारा 24 एंड सी एम perpendicular to BD such that AL 9 and CM 12 तो बच्चों AL तो BD के ऊपर भी लंब है और हमारा CM भी BD के ऊपर perpendicular दे रखा है इसके अंदर और calculate the area of quadrilateral बेटा मैंने आपको explanation में इस type के questions के क्या बताए थे आपको direct formula भी बताए थे कुछ बच्चों को हो सकता है चीजें याद हो और कुछ बच्चों को ना इसके ऊपर मान लो ये क्या perpendicular है और इसके ऊपर क्या बच्चों ये मान लो परपेंडिकुलर है तो हमारे क्या है ए बी सी डी ठीक है इस टाइप से फिगर दे रखी है हमारी एल है हमारी एम है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2 × ये परपेंडिकुलर मान लो क्या है पी वन है और ये क्या है पी टू है तो 1/2 × जो हमारा इस जिस हमारे डायगोनल परपेंडिकुलर है ना इंटू बी डी और इंटू में पी वन प्लस में पी टू
कि मैंने आपको फर्क, क्योंकि आप ऐसे ही निकाल सकते हो, इसका एक बार अलग से एरिया निकाल लो इस ट्रायंगल के ऊपर वाले का, डी बी सी का, या फिर इसका डी ए बी का अलग से निकाल दो, दोनों का प्लस कर दो, तो वो भी आपका फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर। तो अभी बच्चों इसकी वैल्यू दी है इसने ए एल, ए एल की वैल्यू क्या दी इसने, तो पी टू इक्वल टू 9, और बच्चों दूसरी वैल्यू क्या दी हमारी सी एम इक्वल टू 12, और हमें बी डी की वैल्यू क्या दे रखी बच्चों 24। तो डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करनी है, 1/2 गुना में 24 और गुना में 9 प्लस में 12, तो 2 से 12 और गुना में 12 और 9 21, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, तो 12 × 12 = 24 और 25 252 जिसका एरिया आ जाएगा बच्चों हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीसीडी इन विच ए बी इक्वल टू 17, ए इक्वल टू 9, ए सी डी इक्वल टू 12 एंड ए सी बी इक्वल टू 90 एंड ए सी इक्वल टू 15। तो देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा हमारा ये, देखो हमारा एक बार ये इक्वल टू क्या है बच्चों 90 है, तो ये 17 है बच्चों, ये 15 है, और दूसरी हमारी यहाँ से लेकर इसको हमने ड्रॉ कर दिया 9 है, और ये हमारा बच्चों क्या है 12 है। तो देखो बच्चों हमारा ये 90 डिग्री है ना, क्या हमारा ये 90 डिग्री है, तो बच्चों हमारा 15 का स्क्वायर माइनस में 17 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बी सी ए और दी पॉइंट क्या हमारा डी है, तो बी सी स्क्वायर क्या आएगा बच्चों हमारा 17 का स्क्वायर और माइनस ऑफ द 15 का स्क्वायर, 289 माइनस ऑफ द 225, तो बी सी की वैल्यू क्या आएगी आ जाएगी बच्चों इसका हमारा स्क्वेयर रूट में क्या जाएगी 64, 289 में से 225 बटा देंगे बच्चों, तो BC की वैल्यू क्या आएगी हमारी 8, तो इसकी वैल्यू आ गई 8। इसके बाद बच्चों हमें इसका एरिया अलग से निकाल देना है और इसका एरिया अलग से निकाल देना है और दोनों को हमें जोड़ देना है। तो देखो बच्चों हमारा इसका एरिया तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, कैसे आएगा 1/2 इंटू बेस, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए, तो बी सी का एरिया क्या हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू में बेस क्या है इसमें 8 है और हाइट क्या है इसके अंदर 15 है, तो हमारा कितना आ गया 1560, ठीक है इसका एरिया आ जाएगा। अभी बच्चों हमें किसका एरिया निकालना है, इसका दूसरे वाले ट्रायंगल, इसके हमारे पास क्या हमारे तीनों साइड है, या तो आप हीरो का फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें, ठीक है। और आपको एक बात और ध्यान में होना चाहिए, मैंने आपको रेशियो बताए थे ये क्या है 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट होते हैं हमारे, क्या होते हैं ट्रिपलेट, तो इस रेशियो में जितनी चीज आएंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो जितने भी इसके सारे रेशियो में आएंगे ना बच्चों सारे में ट्रिपलेट में काउंट होंगी, वो सारी क्या होंगी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी। तो ऐसे ही बेटा इसको 2 से गुणा करो, गुणा में 2, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10, और बाकी इसको 3 से गुणा करो बच्चों, गुणा में 3, 3 × 9 = 12 और 3 × 5 = 15, 9, 12, 15 ये भी क्या होगी बच्चों ट्रिपलेट ही होंगे, इट मीन्स ये भी एक हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के साइडें होंगी 9, 12 और 15, इसका मतलब जो 15 जो बड़े वाली साइड है ना इसके सामने क्या है बच्चों हमारा ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसका मतलब क्या हमारा 90 डिग्री है। ये हमें ट्रिपलेट से निकाल लिया, तो इसका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, तो 1/2 इंटू बेस, बेस इसमें क्या बच्चों हमारा 9 है और हाइट क्या हमारी 12 है, क्योंकि बच्चों 90 डिग्री एंगल ये है ना हमारा, तो हमारी ये वाली जिससे हमारे 90 डिग्री बनता है ना उन्हीं साइड से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1, 2, 2 × 12, 9 × 54, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो जाएगा बेटो 60 + 54, तो 6 × 5 = 11, 114, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बच्चों इसने और क्या पूछा है, डायगनल और पूछा बच्चों इसने फाइंड, हाँ हमने तो दो ही चीजें पूछी थी हमारी, ठीक है, तो एक तो चीज पूछी इसने ये बी सी की वैल्यू, ठीक है, और एक इसने क्या पूछा था बच्चों फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो इसने क्या पूछा है इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर में हम सारी साइडें जोड़ देंगे 8 + 12 + 9 + 17, 12 × 8 = 20, 20 × 9 = 29, 29 × 10 = 39 × 7 = 46, 46 सेंटीमीटर, क्या दीजिए जो ने 46 सेंटीमीटर, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल।
तो बच्चों ये हमारा एरिया होगा और ये हमारा पेरीमीटर होगा। हम दोनों चीज आसानी से इसमें निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें पहले हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर से हमने क्या निकाल दिया, इसका बेस, तो इसका एरिया निकाल दिया। और इस ट्रिपलेट के द्वारा, यदि आपको ट्रिपलेट का नहीं पता तो बच्चों आप इसमें जीरो का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। पहले 12, 9 और 15 को आप पहले इसका क्या निकालोगे बच्चों, हमारा सेमी पेरीमीटर निकालोगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सेमी पेरीमीटर निकालने पर फिर हमारा फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। ए बी सी हमारी क्या बच्चों, ये साइड्स हैं, वो भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चों, हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 392 मीटर स्क्वायर। अभी क्या बच्चों, हमारी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होती है बच्चों हमारी, जिसमें हमारी आमने सामने की साइडें पैरेलल होती है, दिस इज द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसका एरिया क्या दिया बच्चों, 392 मीटर स्क्वायर। इट्स एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द कोरस्पोंडिंग बेस। तो बच्चों इसकी जो हमारी एल्टीट्यूड क्या बच्चों, उसके बेस के ट्वाइस है, डिटरमाइन द बेस एंड एल्टीट्यूड। तो हमें क्या फॉर्मूला पता है इसका, एरिया बता, एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बेटा ये हमारी बेस के कोरस्पोंडिंग ही होती है। और इसमें क्या चीज दी है, इसकी जो एल्टीट्यूड है वो उस बेस से क्या दे रखी है बच्चों, इसे डबल दे रही है। इट्स एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द कोरस्पोंडिंग बेस। मान लो बेस क्या बच्चों हमारा एक्स है, तो यह दिस ने 2x दे दी। तो दिस इज इक्वल टू 292 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है बच्चों एक्स, और गुणा में एल्टीट्यूड क्या है 2x। तो हमारी क्या हो जाएगी एक्स, हमारी इसमें 1/2 नहीं होता है, तो हमारी बेस इंटू एल्टीट्यूड ही होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। आप इसमें एक्सप्लेनेशन में जाके देखना तो हमारा क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड कोरस्पोंडिंग टू दैट बेस। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 292 डिवाइड बाई में 2। तो 2 × 2 = 8 और 2 × 6 = 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। सॉरी बच्चों, दिस इज नॉट 292, दिस इज 392। तो 392 में क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारी, 2 × 2 = 18 और 2 × 6 = 12। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 196। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √90 = 14। तो हमारा बेस क्या होगा बच्चों, हमारा 14 और इसकी हाइट क्या होगी 28। तो हमारी बेस और हाइट की क्या वैल्यू होगी बच्चों, 14 और 28। चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।